हाय फ्रेंड्स, हम सब एक दूसरे से कितने अलग है ना, और इसी तरह हमारी स्किन भी हमारे एक दूसरे से बहुत अलग है। किसी की स्किन सेंसिटिव, किसी की स्किन ऑयली या फिर ड्राई हो सकती है, या किसी की नॉर्मल भी हो सकती है। अलग अलग स्किन टाइप की केयर अलग अलग तरीके से करनी चाहिए, सो दैट हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ऑयली स्किन के लिए एक क्रीम है, दैट इज़ लोटस हर्बल वाइट ग्लो स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग क्रीम जेल। और साथ ही मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि आप अपनी ऑयली स्किन को कैसे पहचान सकते हैं। मैं आपको तीन तरीके बताऊंगी, बहुत सिंपल तरीके, जिससे कि आप अपनी ऑयली स्किन की केयर कर सकते हैं। और साथ ही मैं बताऊंगी कि अगर आपको पिंपल्स आ रहे हैं या आने वाले हैं, तो आपकी उसकी केयर कैसे करनी चाहिए। बिकॉज हम सबको पता है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो उससे आपके पिंपल्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये लोटस वाइट ग्लो स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग क्रीम जेल है, इसका जो रिव्यू है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो फ्रेंड्स, मेरी जो स्किन है वो थोड़ी सी ऑयली टू नॉर्मल टेक्सचर है। जो मेरा टी जोन है वो हमेशा ऑयल रहता है, और मेरे चिन के अराउंड थोड़ी सी ड्राइनेस रहती है, तो कोई भी ब्रांड ईजिली मुझे सूट नहीं करता है। इसके लिए मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट चूज़ किया है जो मेरी टी जोन को ऑयलनेस से बचाए। तो मैंने एक फ्रेंड जो लोटस हर्बल यूज़ कर रही थी, मैंने उसको ट्राई किया फिर। सो फ्रेंड्स, जो लोटस हर्बल क्रीम है स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग जेल क्रीम में है, तो इसकी जो बेस्ट चीज़ है कि ये क्रीम जेल में प्रेजेंट है। क्रीम जेल यानी कि एक ऐसा बेस जो आपकी ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। जेल बेस इज़ गुड फॉर ऑयली स्किन। तो ये आपके जो इसके अंदर कौन कौन से बेनिफिट्स हैं और ये कैसे आपके स्किन के लिए बेटर है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और मैं आपको तीन ऑप्शंस भी बताऊंगी कि आप अपनी स्किन की केयर कैसे कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने दे रखी है, दैट इज़ ये आपके स्किन को लाइटन करता है, आपके स्किन टोन को अनइवन पिगमेंटेशन से बचाता है, उसके बाद ये आपकी स्किन को वाइटन करता है और ब्राइटन करता है, यानी कि आपकी नेचुरल रेडियंस देता है। फ्रेंड्स, लोटस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करता है, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि इसके कोई साइड इफेक्ट कम से कम होंगे। सो फ्रेंड्स, लोटस हर्बल ब्राइटनिंग क्रीम जेल जो है एक ऐसा रिवोल्यूशनरी सॉल्यूशन है जिसके अंदर एडवांटेजेस हैं, जैसे कि आपकी स्किन में इजीली स्प्रेड हो जाता है। जो इसका एडवांस फॉर्मूला है वो बेटर डिलीवरी करता है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो प्रेजेंट है इसके अंदर, बेसिकली वो नेचुरल है, और ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, इंक्लूडिंग ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन में ऐसा होता है कि कभी कभी आपकी स्किन ड्राई होती है और कभी कभी ऑयली भी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, लोटस वाइटनिंग स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग क्रीम जेल जो है, इसके जो इसमें क्लेम कर रखा है कि ये रिजल्ट देते हैं 7 डेज में। सो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि 7 डेज में आपकी स्किन ब्राइट होगी या नहीं। इसके अंदर एक एडवांस फॉर्मूला है जिसमें ट्रिपल एक्शन स्किन एक्शन है, दैट इज़ लाइटनिंग वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग। एनरिच है इसके अंदर रेयर फ्रूट और पोटेंट प्लांट एक्सट्रैक्ट जो आपकी स्किन को डीपली पेनिट्रेट करता है और आपके स्किन में फ्लॉलेस, फेयरर और रेडियंट स्किन को बनाता है। इसके अंदर बेस्ट चीज़ ये है कि इसके अंदर कोई भी हार्श केमिकल यूज नहीं है, जो कि जो भी अगर किसी भी प्रोडक्ट में जनरली हार्श केमिकल प्रेजेंट है तो वो आपके स्किन को डैमेज कर सकता है। सो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है, दैट इज़ ग्रेप एक्सट्रैक्ट, एक्सफोलिएटर है, आपकी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट करता है। इसके अंदर मलबरी एक्सट्रैक्ट है जिसके अंदर फिनाइल फ्लावोनॉइड्स है, और इसके अलावा इसके अंदर ट्रायोसिन इनहिबिटर है। इसमें मिल्क एंजाइम प्रेजेंट है जो ब्लॉक करता है मेलानिन पाथवे को। मेलानिन बेसिकली हमारी स्किन टोन को डिफाइन करता है। अगर आपकी स्किन टोन में ज़्यादा अमाउंट में मेलानिन प्रेजेंट है, तो ये आपके स्किन टोन को डार्क बनाता है। इसके अलावा इसके अंदर सैक्सी फ्रेगा एक्सट्रैक्ट है जो फ्री रेडिकल और स्केवेंजर ट्रायोसिन इनहिबिट करता है। इसके अलावा इसके अंदर SPF 25 है, विच इज़ वेरी गुड। फ्रेंड्स, आपके साथ मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि जो SPF है वो बहुत ज़रूरी है आपके क्रीम के लिए। जब भी आप धूप में निकलते हो, आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और ये फ्री रेडिकल हमारी स्किन को डैमेज करते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करें। हम एक्सटर्नली से सनस्क्रीन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और इंटरनली अगर आप विटामिन्स लेते हो, जो कि फ्रूट्स में या फिर पानी में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, फ्रूट्स में प्रेजेंट है, वेजिटेबल्स में प्रेजेंट है, तो ये आपकी फ्री रेडिकल्स को किल करने में हेल्प करता है। और एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं प्रेजेंट, वो बेसिकली फ्री रेडिकल्स को किल करते हैं। सो इस तरीके से आप अपनी स्किन की केयर कर सकते हो फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज।
जो कि आपकी स्किन की डार्कनिंग तो करता ही है, साथ में आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज भी करता है। सो फ्रेंड्स, जो इसकी पैकेजिंग है वो बहुत अच्छी है, इसके अंदर SPF 25 है और PA++++ प्रेजेंट है, विच इज़ वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी ये चीज़। इसकी जो पैकेजिंग है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, आप इसे एवरी डे मॉर्निंग एंड इवनिंग में यूज़ कर सकते हो अपने फेस को क्लीन करने के बाद। और इसके अलावा इसके अंदर जो जो इसका एक फेस वॉश आता है वो अगर आप साथ में यूज़ करोगे दैट विल बी वेरी गुड। और जो भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है दैट इज़ नेचुरल, और इसके अलावा इसके अंदर केमिकल्स भी यूज़ हैं, लाइक इसके अंदर आमंड ऑयल, ऑक्सी, इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट यूज़ हैं वो आप नेचुरली हैं। जो इसका प्राइस है दैट इज़ 345 फॉर 60 ग्राम। इसकी शेल्फ लाइफ 3 ईयर है, विच इज़ वेरी गुड। जो कंटेनर है इसका एक बड़ा सा मुंह है, वाइड माउथनिंग इसकी ओपनिंग है, और जो इसकी लुक है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप इसे यूज़ करोगे तो आपको कैसा लगेगा। जो मैं क्रेम जेल है वो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ये आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाएगा इजीली और आपको एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देगा और प्रोटेक्ट करेगा एज अ सनस्क्रीन इसके अंदर प्रेजेंट है। और ये कोई वाइट फ्लेकी कास्ट नहीं छोड़ता आपके फेस पे, ये अब्सॉर्ब करता है ईजीली आपके टी जोन पे और आपके ड्राई स्किन पे भी। जो इसकी पैकेजिंग है दैट इज़ अट्रैक्टिव, वाइड माउथ है तो ट्रांसलुकेंट ग्लास कंटेनर है इसके अंदर, जो इफेक्टिव यूजेस देता है और लेस वेस्टेज करता है। इसकी जो फ्रेगनेंट है दैट इज़ लाइट प्लेजेंट और नॉन स्टिकी टेक्सचर है इसका। इसके अंदर बेस्ट चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई कि SPF 25 है और पर्पस ऑफ जेल जो क्रीम का है वो बोथ है, मतलब आपके लिए ये एक क्रीम भी है और आपके लिए एक सनस्क्रीन भी है, विच इज़ वेरी गुड, वरना आपको दो चीज़ें अलग से लगानी पड़ेगी। कैन बी यूज इन ऑल वेदर, किसी भी वेदर में आप इसे यूज़ कर सकते हो, आपकी स्किन को वेल नरिश रखता है, फ्रेश रखता है ऑल डे लॉन्ग। अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करते हो तो आपकी स्किन टोन को मेंटेन रखता है और ऑयली स्किन के लिए ये सूट करता है, विच इज़ वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं आपको बताऊंगी ये 7 डेज में आपकी स्किन को फेयर बनाता है या नहीं, तो फ्रेंड्स सॉरी टू से ये आपकी स्किन को 7 डेज में फेयर नहीं बनाता है, लेकिन हाँ अगर आप इसे बहुत टाइम तक यूज़ करते हो लाइक अ मंथ तो आपको थोड़े से विजिबल एक्शन दिखेंगे, पर 7 डेज इज़ नॉट ट्रू। और इसके अलावा जो इसके अंदर जो जो ग्लास कंटेनर है वो बहुत हैवी है तो आप इसे कहीं कैरी नहीं कर सकते, आपको इसे घर पे ही छोड़ना पड़ेगा। और जो इसकी लिड है वो प्लास्टिक की है, इजीली टूट भी जाती है। सो मैं आपको इसे रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको अपने ब्यूटीफुल गोल्स को अचीव करना है तो। और इसके अलावा मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि आप अपनी ऑयली स्किन की केयर कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी ऑयली स्किन के लिए आप अपने फेस को कम से कम भी दिन में 2 बार वॉश करें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके स्किन से ऑयल को रिमूव करेगा, डर्ट को रिमूव करेगा, बिकॉज ऑयली स्किन जो है वो डर्ट को इजीली पेनिट्रेट करती है और डर्ट पोल्यूशन आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने फेस को 2x a day ज़रूर वॉश करें। इसके अलावा आप अपने जो फेस मास्क यूज़ कर सकते हैं जो आपकी स्किन को सूदिंग करे, लाइक आप कोई भी मड वॉश या फिर ऐसा स्क्रब यूज़ करें जो ऑयली, जो प्रेफरेंस दे कि आपकी ऑयली स्किन के लिए, जैसे कि आप मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर सकते हैं विच इज़ वेरी गुड फॉर द स्किन। इसके अलावा आप बेसन, नींबू और इसका पेस्ट बना के, जिसके अंदर आप हनी भी ऐड कर सकते हो, इसका पेस्ट बना के आप अपने फेस वॉश को यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अपनी डाइट को भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए फॉर ऑयली स्किन। आपको मैक्सिमम फ्रूट्स खाने चाहिए विच कंटेन विटामिन्स, और विटामिन्स हमारी स्किन का न्यूट्रिशन है, हर चीज़ को उसका अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो डैमेज हो जाएगा। तो आपको उसको बेस्ट से बेस्ट न्यूट्रिशन के लिए उसे फ्रूट्स खिलाएं, आप फ्रूट्स खाइए और आप वेजिटेबल जूसेस ये सब ले सकते हैं। साथ में मिनिमम 4 लीटर पानी इज़ अ मस्ट, और साथ में अगर कितनी भी गर्मी हो, मुझे पता है ऑयली स्किन को जब आप यूज़ करते हो तो ऑयली स्किन में आपको क्रीम लगाना पसंद नहीं है, बट जब भी आप बाहर निकले धूप से तो आप ज़रूर ज़रूर उसके ऊपर सनस्क्रीन यूज़ करें, क्योंकि सनस्क्रीन आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। आजकल बहुत ज़्यादा धूप है और आपकी स्किन में जो यूवी रेज है वो जाके आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है,
तो हमेशा धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें। आई होप आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। मैं अपकमिंग वीडियोस में और भी रिव्यूज़ दूंगी, और मैंने आपके बहुत सारे कमेंट्स के रिप्लाई भी किए हैं। थैंक यू सो वेरी मच कि आप हमारी वीडियोज़ को इतना लाइक करते हो और अपने व्यूज़ भी मेरे साथ शेयर करते हो। कीप शेयरिंग योर व्यूज़ एंड रिव्यूज़। और अगर आप चाहो तो आप अपना लोटस हर्बल ग्लो, हमारे जो नीचे लिंक है उस पर क्लिक करके आपको ईजिली मिल जाता है, क्योंकि कई बार लोग ये कहते हैं कि उन्हें ईजिली नहीं मिल रहा है। दैट इज़ फॉर यू, आपके लिए हमने ये भी डाला है। आप इसे ईजिली कहीं से भी खरीद सकते हो फ्रॉम Amazon। थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।